इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह का सुझाव दिया था, क्या उस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? क्या इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो सकता है? आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, दिल्ली में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। चुनावों को लेकर सस्पेंस खत्म आज हो सकता है इस बैठक में, लेकिन इस बीच आज रात से दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू शुरू होने वाला है। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हाल के दिनों में राजधानी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कई राज्य नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, हरियाणा, गुजरात शामिल है, और दिल्ली में भी आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ गए, अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, दिल्ली की इस वक्त जो हालत है, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक अहम फैसला। जी बिल्कुल, देखिए एक अहम फैसला है, और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो 26 दिसंबर का आंकड़ा है, 24 घंटे में 290 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, एक शख्स की मौत हो गई थी। तो लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज से रात 11 बजे से 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू होगा। यानी 11 बजे से 5 बजे तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो ही दिल्ली की सड़कों पर दिख पाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं दिख पाएगा। लेकिन आपको बताऊं, ये ठीक 31 दिसंबर के पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये कनॉट प्लेस का एरिया, और पीछे आपको पुलिस कर्मी यहां पर दिखाई देंगे। जब से ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, तो ऐसे में इन इलाकों में नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं। यानी कनॉट प्लेस के आसपास अब भीड़ कम से कम 31 दिसंबर को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आज से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान है और इम्प्लीमेंट हो जाएगा 11 बजे से 5 बजे तक। पुलिस की मौजूदगी दिल्ली की सड़कों पर रहेगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है, और सख्ती से जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन कराया जाएगा। लेकिन ये एक अहम फैसला है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे थे, और जो दूसरी लहर थी जब कोरोना की, उस वक्त दिल्ली ने काफ़ी कुछ झेला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि कुछ हद तक जो वायरस है, जो महामारी है, वो कम फैले, लोगों के बीच संक्रमण कम फैले, तो एक पहला स्टेज है।